हमारा पहला सवाल है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों इसका आंसर अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करें। इसके लिए आपको दिए जाएंगे 5 सेकंड। अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो, लेकिन दोस्तों कमेंट ज़रूर करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसका सही आंसर है यकृत यानी कि लीवर। दूसरा सवाल है, कोयना बांध के कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। तीसरा सवाल है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल सवाल है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिलने वाली है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु राज्य को। चौथा सवाल है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों अभी तक आपने एक भी सवाल का जवाब कमेंट नहीं किया है, तो अपना जवाब कमेंट जरूर करें। इसका सही आंसर है विनोबा भावे ने। पांचवा सवाल है, अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस शहर में होता है? इसका सही आंसर है नासिक में। छठवां सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है राज्यपाल। सातवां सवाल है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। इसका सही आंसर है मिल्खा सिंह को। आठवां सवाल है, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। नौवां सवाल है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो अगर आप रोज सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें जिससे कि नई नई वीडियो आपको रोज सबसे पहले देखने को मिलती रहे। इसका सही आंसर है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे माउंट केटू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दसवां सवाल है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही आंसर है विटामिन सी। तो दोस्तों आप इनमें से कितने आंसर सही दे पाए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जब तक चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।